हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं दो तीन मेन इश्यूज के बारे में जो कि ईएमआरएस जॉइनिंग से संबंधित है। तो अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेएसए टाइपिंग वाले जो डीवी जिनकी होनी है वो क्या गड़बड़ी ना करे, क्या सर्टिफिकेट जो की है उन्हें सही तरीके से दिखाना है। इसके साथ साथ जो ओडिशा स्टेट सोसाइटी है उन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो उसके संबंध में भी बात करेंगे। तीसरी, जो जिन लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि रिजेक्ट हो चुके हैं या हमें अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, तो इस चीज में भी, इस टॉपिक पे भी आज हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मेल के थ्रू इंटीमेट कर दिया गया है जेएसए टाइपिंग वालों को, जो फॉर्मेट है बायोडेटा का उन्हें वो सही सही भरना है। दूसरी चीज है उससे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए जो नेम है, फादर्स नेम है, पोस्टल एड्रेस है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपको उसमें जो की है ब्लैंक में वो सब भरना है, सारे डिटेल्स भरने हैं। इसके साथ साथ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको भरना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, एज का क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट आपको डालना है, वो सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ तो हर कोई सही सही ही भरेगा। जिनकी जो किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, एसटी है, ओबीसी है, एससी है, तो उनके लिए जो की है स्पेसिफिकली ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि देखिए आप लोगों को जो भी आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, जो शो कर रहे हो, प्लीज आप इस चीज को गांठ बांध ले कि वो 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैम फिर ये हमें मिलेगा कहां से। देखिए, आप आयोग की वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये फॉर्मेट जो कि वहां पे दिख जाएगा, जो फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है आपको उसी फॉर्मेट में 1/4/2023 के बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जिनके पास नहीं है वो अभी भी बनवाएं और बनवा ले जल्दी से जल्दी, ताकि उनके पास जो की है जब भी जिस भी मतलब स्टेट सोसाइटी से उन्हें कॉल आए, वो लोग जो की है वहां पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी जो की है वहां पे दे सके और उस पे भी जो की है कोई रिजेक्शन या कोई किसी भी तरह की असुविधा उन्हें ना हो बींग अ कैंडिडेट। दूसरी चीज है देखिए कि ओडिशा ने भी, जैसे छत्तीसगढ़ ने अपनी लिस्ट जारी की थी, वैसे ही ओडिशा स्टेट सोसाइटी ने भी ईएमआरएस के जितने एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं जो कि अब एम्प्लॉयमेंट लेंगे, चाहे फिर टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबके लिए उन्होंने भी लिस्ट जारी कर दी है। टोटल 543 लोगों का रोल नंबर, यूनिक आईडी, किस स्कूल, कौन सा स्कूल उन्हें अलॉट किया गया है, उनके ईमेल आईडी, सब कुछ जो किया उसमें मेंशन कर दिया गया है। आप प्लीज अब ये ना देखें कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद देखो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो जो स्टेट सोसाइटी है उसमें आपका रोल नंबर कैसे होता, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर वो ओडिशा स्टेट सोसाइटी हो, या आने वाली अपकमिंग कोई स्टेट सोसाइटी जो लिस्ट जारी कर रही है उसमें आपका रोल नंबर कैसे होता। इस चीज को अब आप अगर कनेक्ट करोगे कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, देखिए साइट में गड़बड़ी तो है ही, बहुत लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं आप रिजेक्ट हो गए हो और आप जो किए या फिर आप सिलेक्ट नहीं हुए हो इसलिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, या कुछ भी इस तरह का जहां पे आपको नेगेटिव कॉमेंट सुनने को मिल रहे हैं, या कमिश्नर साहब की लोग बातें उठा रहे और कह रहे हैं कि नहीं बहुत मतलब खराब रिएक्शन था उनका इन सब चीजों को लेकर, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत लोग जिन लोगों कि अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा था अब उनका भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, अगर आप उनसे पूछोगे ये तो आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका कि पहले डाउनलोड हो रहा था उनका अब डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि सर्वर को एक साथ जो की है पूरी तरह से जो की है वापस सही करने के लिए उन्होंने ये सारे डाउनलोड से रोक दिए हैं कि किसी का भी अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड ना हो पाए। जो भी टेक्निकल इशू है उस टेक्निकल इशू को ये लोग जो की है कर्व करते हुए, ये लोग सही करते हुए ऐसा कर दे ताकि जितने
भी अपॉइंटमेंट लेटर्स है अब सारे के सारे डाउनलोड हो पाए, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक का डाउनलोड हो रहा है, किसी दूसरे का डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो की है आप लोग प्लीज टेंशन ना ले अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स को लेके। आप लोग जो की है इस चीज से घबराए नहीं कि अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। जो भी है वो सर्वर इशू है, जो भी है वो नेस्ट के पार्ट पे है, लेकिन नेस्ट ने अपना कार्यभार ऑलरेडी जो की है स्टेट सोसाइटी को दे दिया है। और जब स्टेट सोसाइटी जो लिस्ट इशू कर रही है उसमें आपके रोल नंबर्स है, उसमें आपका ईमेल एड्रेस है, यूनिक आईडी है, सब कुछ दिया हुआ है कि स्कूल कौन सा स्कूल आपको अलॉट किया जा रहा है, ये दिया गया है। तो घबराने की कहीं से भी कोई बात नहीं है, इसलिए प्लीज पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे। नेगेटिव कमेंट्स पे नेगेटिव लोगों के मतलब एक रिस्पॉन्सेस पे कि हाँ भाई ठीक है आपका नहीं हो पा रहा है, या देखो आपका तो डाउनलोड ही नहीं हो पाया अपॉइंटमेंट लेटर, इन सारी चीजों पे ना जाए, ध्यान ना दें। आप बस जो स्टेट सोसाइटी के जो लिस्ट जारी हो रही है आप बस उसे फोकस करें, उस पे ध्यान दें। और उसमें अगर आपका रोल नंबर है, अगर आपका यूनिक आईडी मेंशनड है, आपका ईमेल आईडी सब कुछ उसमें दिया हुआ है, तो बस आप तैयारी कर लें। आपको जो की है ईमेल के थ्रू या वाया वेबसाइट इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको रिपोर्ट कब करना है, आप बस उस पे ध्यान दें। और बस अपनी ज्वाइनिंग को लेके जो की है आप सोचे, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, जरूर से जरूर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और जो भी इधर टेक्निकल इशू है, आई जस्ट होप एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, ताकि सबके जो अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर्स है वो डाउनलोड इधर भी हो जाए, ताकि किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई दिक्कत रह ही ना जाए। तो आई होप कि मैंने इन तीनों टॉपिक्स पे जो ओडिशा ने लिस्ट जारी की है स्टेट सोसाइटी ने, उस पे जो नेगेटिव कमेंट्स है रिजेक्शन रिलेटेड कमिश्नर साहब के रिस्पांस को लेके उस पे, या फिर जो मैंने जो बायोडेटा आ गया है जेएसए टाइपिंग वालों के लिए, तो उस पे कैटेगरी वाइज कैसे आपको प्रेजेंट करना है 1/4/2023 डेट का ध्यान रखते हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, ये मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी है। तो प्लीज प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।